हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी की छत की बहुत दिन से ये व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊं। मैं जो फ्लैश सब लगा हुआ है ना, वो काम करना शायद बंद कर रहा है कि पता नहीं क्या, बट उसमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत ही ज़्यादा। अभी फ्लैश ऑन करेंगे तो अभी तो ऐसा ही है, ठीक है। अभी तो ब्लिंक कर रहा है, बाकी एक टाइम बाद जो इसका ये बल्ब काम नहीं करेगा। देखो अभी ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। इस चीज़ को हम ठीक करेंगे। हम जो है फ्लैश जो है इसका निकाल देंगे, ये बल्ब भी निकालेंगे, बाकी इसके जो ओरिजिनल बल्ब हैं ये वाले, तो ये हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाले दो तो हमने खोल दिए, बाकी यहाँ पे होगा एक नीचे, ये भी खोलेंगे इसको। तो थोड़ा इस साइड को करना पड़ेगा हैंडल, तो तब जाके ये खुलता है। मतलब चढ़ाया तो मैंने कहा टाइट चढ़ाया ये, ठीक है। एक ये हो गया, एक इस साइड से हो गया ये वाला, तो ये खोलो। बस उसके बाद बाकी ये चीज़ खोलने के लिए फिर ये वाले जो लगे हैं स्किन को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाओ, ताकि ये जब बाहर आएगी ना इसकी बॉडी दिक्कत ना करे। तो इसको जो है ऐसे बाहर की तरफ खींचो, लेकिन आराम से। देखो ये निकल गया पूरा, ऐसे हो गया ये, ठीक है। ये तो निकल गया अपना बाहर को, है ना। तो यहाँ पे लगाइए फ्लैशर, ठीक है। सबसे पहले तो भाई इनकी फ़ोटो ले लेता हूँ मैं वायर की। फ्लैशर को खोलना भाई आसान बात नहीं है, मेरे को लग रहा है वायरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इससे। तो निकाल रहे हैं इसको, वरना ऐसे नहीं। ऐसे तो मेरे को कोई वो भी नहीं था, यहाँ इसको निकाल ही दूँ मैं। बच्चे तो निकालना पड़ रहा है, तो निकाल लो इसको। तो ये तो बैठ गया अच्छे से, परफेक्ट। तो ये वाला भी मतलब सब कुछ खोलना पड़ेगा मेरे को ये। बहुत मेहनत निकल गया ये तो। ये फ्लैश तो रहे सस्ता था, कोई मिस्टी का फ्लैश रहा ये, इसको रख दो इधर ही। तो देखो अभी इंडिकेटर तो बंद है इसके ना, मैंने राइट का किया, तो चारों फ्लैश कर रहे हैं इसके। तो ये प्रॉब्लम मेरे को दिक्कत दे रही है, इसको कर देते हैं अब हम पैक अच्छे से, लगा लेते हैं इसको भाई अच्छे से। अब रहे हैं अपने को फ्लैश डालने, क्या बोलते हैं इसको, बल्ब, इंडिकेटर बल्ब डालने के लिए। तो इंडिकेटर बल्ब डालेंगे अब हम जल्दी से जल्दी। एक ये वाला लगा दिया, अब दूसरा लगाएंगे यहाँ पे। तो ये बात है भाई। तो अभी रहा है अपने को बल्ब लगाने के लिए। तो ये इंडिकेटर भाई किसी काम के नहीं आते, वही शिफ्ट। अच्छा ठीक है भाई, मैंने सोचा इसका निकल गया ये, मैं तो डर गया था। चलो ये चार बल्ब हैं, इनको हम फिक्स करेंगे अभी यहाँ पे, और इनको जो निकाल देंगे यहाँ से। ये तो हो गया भाई कन्फर्म यहाँ पे बस। तो बचे हैं भाई लास्ट के दो बल्ब जो लगेंगे इसके लास्ट में, जो इसके रियर इंडिकेटर है उसमें इनको फिट करेंगे। बाकी भाई स्कूटी की हालत है, इसकी हालत पे मत जाओ भाई, बहुत ऑफ रोडिंग करता है अपन, बहुत भयंकर। तो भाई जैसा आपको लग रहा है कि हमने इसके इंडिकेटर और ये फ्लैशर, सॉरी ये इंडिकेटर बल्ब और फ्लैशर जो है निकाल दिया है। तो देखते हैं भाई फाइनल रिजल्ट। लेफ्ट किया तो लेफ्ट का जल रहा है, पीछे भी लेफ्ट का ही जल रहा है, ठीक है। चलो राइट देखते हैं अब एक बार, राइट का आगे, हाँ आगे भी राइट का ही जल रहा है इसमें। चलो ये हो गया अपना ठीक। अब इनको कर देते हैं वैसे ही जैसे ये थे इस पोजीशन में, ठीक है। इसको भी मोड़ दो भाई उसी पोजीशन में जैसे ये पहले था।
वैसे तो ये चीज़ मैंने खोलनी नहीं थी इसकी, बट मजबूरी में खोलना पड़ी भाई, क्योंकि ये जो फ्लैश रही है दिक्कत दे रहा था मेरे को बहुत ही ज़्यादा। तो भाई चलो फिर मिलते हैं भाई आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और इसको हम धोएंगे अच्छे से, उसके बाद जो है इसको चमकाएंगे, पॉलिश करेंगे, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।